हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू एंड ब्रांड न्यू टॉपिक ऑन साइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू द पेपरलेस साइंस सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो टुडेज टॉपिक इज जीन्स फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ बनियान पीपल ट्रीज आइडेंटिफाइड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल के रिसर्चर्स ने बनियान फीकस बेंगलेंसिस एंड पीपल फीकस रेलिगियोसा हैं के लीव्स के टिश्यू सैंपल्स से कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया है। उन्होंने 50 डिफरेंट एंग्लोस्पर्म प्लांट्स की स्पीसीज़ के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइड जीनोम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी किया, जिसमें 4 डिफरेंट सीक्वेंस फीकस स्पीसीज इंक्लूडेड हैं। इन दो फीकस स्पीसीज़ के जीनोम साइज प्रीवियसली एस्टिमेटेड जीनोम साइज की कंपेयर में करेक्ट किए गए थे। ड्राफ्ट जीनोम असेंबली बनियान के लिए 392 MBP से अधिक और पीपल के लिए लगभग 333 MBP थी। वर्क ने बनियान के केस में 17 जीन और पीपल के 191 जीन की रिकॉग्नाइज करने में मदद की, जिसमें अडेप्टिव एवोल्यूशन MSA के कई साइंस हैं जो इन दो फीकस स्पीसीज को लॉन्ग टाइम तक अलाइव रहने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अडेप्टिव एवोल्यूशन के मल्टीपल साइंस वाले जीन अबाउट 0.8 मिलियन ईयर्स एगो बोट ट्रीज द्वारा फेस की गई पॉपुलेशन की बॉटलनेक के जवाब में आए थे। यह स्टडी द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुआ है। क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स की स्पीसीज के कंपेरेबल एवोल्यूशनरी एनालिसिस करने से रिसर्चर्स को बोट प्लांट्स में डेवलप्ड सिग्नेचर वाले जीन्स की प्रिसाइज रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिली। सिमिलरली अदर प्लांट स्पीसीज को लॉन्ग लाइफ स्पैन से कंपेयर करने में कंपेरेटिव एनालिसिस हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन में अडेप्टिवली इवॉल्व जीन्स में जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लॉन्गिटिविटी ऑफ बोथ बनियान एंड पीपल ट्रीज स्पीसीज में। एवोल्यूशनरी एनालिसिस ने 20 फाइलोजेनेटिक के फॉर्म में तक अलाइव रहने वाले स्पेशल सेलुलर सिस्टम में इंक्लूड जीन्स में सिग्नलिंग सीक्वेंस पाथवे फिग वैस्प को एवोल्यूशन स्ट्रेस टॉलरेंस जो इस स्टडी का मेन हाईलाइट है। डॉक्टर विनीत शर्मा ने बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट IISER भोपाल के एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिलेटेड राइटर्स ऐसा कहते हैं। बनियान में अडेप्टिव एवोल्यूशन के मल्टीपल साइंस दिखाने वाले जीन मेनली रूट डेवलपमेंट लीफ मैन्युफैक्चरिंग डाइजेशन पॉलन ट्यूब सीड डेवलपमेंट एंड अदर डेवलपमेंट प्रोसेस से जुड़े थे। पीपल के ट्री में MSA जीन मेनली रूट डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन मेटाबॉलिज्म से जुड़े थे। रूट लीफ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से रिलेटेड जीन जो इन फीकस स्पीसीज में डेवलपमेंट से गुजरे हैं इन ट्रीज की अच्छी तरह से डेवलप्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। वह ऐसा कहते हैं रिसर्चर्स द्वारा किए गए जीन फैमिली के एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एनालिसिस से पता चला कि बोथ स्पीसीज के हाईली एक्सपेंडेड जीन फैमिली ट्रीज में इम्यूनिटी वर्क्स में इंक्लूडेड थे। बनियान के ट्रीज के केसेस में 17 में से 15 MSA जीन भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्रॉट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड पैथोजीन के प्रति टॉलरेंस से जुड़े थे। पीपल के ट्रीज में 19 में से 17 MSA जीन स्ट्रेस टॉलरेंस एक्टिविटी से जुड़े थे। इसके अलावा रिसर्चर्स ने दो तरीकों से शामिल 7 जीन्स की रिकॉग्नाइज किया था जो फ्लावर्स की स्मेल में स्ट्रीम फुल कार्बोनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन करते हैं जो पॉलेंस के लिए वसप को अट्रैक्ट करते हैं। वसप मतलब का इस्तेमाल। इस स्टडी के मेन कंक्लूजन्स में एक जीन में अडेप्टिव डेवलपमेंट के साइंस की रिकॉग्नाइजेशन है जो बोथ स्पीसीज में लॉन्ग लाइफ स्पैन प्रोवाइड करने से जुड़े हैं। स्पेशली कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन प्लांट की रूट डेवलपमेंट फ्लावर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म मल्टीपल टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अडेप्टेशन शो करती है। वे कहते हैं टू सेलुलर सिस्टम में जीन्स में अडेप्टिव ग्रोथ अच्छी तरह से डेवलप्ड एरियल रूट्स को एक्सप्लेन कर सकता है जो बनियान के ट्रीज के लिए यूनिक है।
ट्रीज फाइटो हार्मोन सिग्नलिंग पाथवेज में इंक्लूड कई एडेप्टिव डेवलपमेंट के सिग्नेचर वाले जीन दिखाते हैं। ये पाथ्स प्लांट के डेवलपमेंटल सेंस एंड एजिंग की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए वर्क करते हैं। यह एक और रीज़न हो सकता है कि बनियान एंड पीपल के ट्रीज की एज लॉन्ग होती है। बनियान एंड पीपल बोथ ट्रीज में सिलेक्ट प्लांट डिसीज रेजिस्टेंस जीन फैमिली होते हैं जिन्हें डेवलपमेंट के टाइम जीन डुप्लीकेशन की इवेंट के मीडियम से एक्सपेंड किया गया है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। साथ ही बनियान एंड पीपल के ट्रीज में रिस्पेक्टिवली 88% 89% MSA जीन बायोलॉजिकल एंड एबायोलॉजिकल स्ट्रेस एक्टिविटी के प्रति टॉलरेंस से जुड़े हैं। यह एक्सचेंज में इन ट्रीज को एनवायरमेंटल चैलेंज को फेस करने में अलाइव रहने में हेल्प करता है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इकोलॉजिकल सिस्टम में कीस्टोन स्पीसीज के फॉर्म में अलाइव रहने के लिए फीकस के ट्रीज में अपने डेवलप्ड एंड स्ट्रेस टॉलरेंस सिस्टम डेवलप्ड किए हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं जीनोम सीक्वेंस की अवेलेबिलिटी इस इकोसिस्टम से इम्पॉर्टेंट जीन एंड डिफरेंट कंपेरेबल एस्पेक्ट्स पर आगे की स्टडी में हेल्प करेगी जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तक रहने वाले प्लांट्स के सीड मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड हैं। अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही गाइस। सो बिफोर लीविंग प्लीज सब्सक्राइब टू द पीपल ऑफ साइंस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड अरिगातो गोजाइमंस फॉर वॉचिंग।